आज आपका जो हम टॉपिक पढ़ा रहे हैं वो आपका क्या है? कम्युनिकेबल डिजीज़ है। कम्युनिकेबल डिजीज़ आर डिजीज़ दैट कैन बी पास्ड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन थ्रू कॉन्टैक्ट एयर, वाटर, फूड और अदर ऑर्गेनिज्म। जब आपका कम्युनिकेबल डिजीज़ होता है वो क्या होती है? आपकी डिजीज़ होती है जो कि क्या होती है, पास होती है एक इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में। एक जैसे जिसको अभी ये आपका जो कोरोना चल रहा है, जो कोरोना में क्या है, कोरोना जो पॉजिटिव मिल रहा है उससे क्या कहा जा रहा है कि उससे आप दूरी बना के रखिए, या किसी भी पर्सन से क्या करिए, आप दूरी बना के रखिए, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो कीजिए। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये भी क्या है, आपकी कम्युनिकेबल डिजीज़ है, क्योंकि किसी के कम्युनिकेशन के थ्रू आपको क्या हो जाएगी, ये डिज़ीज़ हो जाएगी। ठीक है, तो या तो आपकी किसी चीज़ की यहाँ पर जो आपकी कम्युनिकेशन हो रही है किसके थ्रू हो रही है, या तो आपकी किसी इन्फेक्टेड पर्सन के थ्रू हो रही है, एयर के थ्रू हो रही है, वाटर के थ्रू हो रही है, फूड के थ्रू हो रही है और अदर ऑर्गेनिज्म। कम्युनिकेबल डिजीज़ आर ऑल्सो कॉल्ड इन्फेक्शियस डिजीज। दीज डिजीज़ आर कॉज्ड बाई माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, प्रोटोजोआ और वर्म। जो आपकी कम्युनिकेबल डिजीज़ होती है वो किसके थ्रू होती है आपकी? ये आपकी क्या होती है, इन्फेक्शियस डिजीज़ होती है, जो इन्फेक्शन करती है। ये आपके क्या होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। माइक्रो मीन्स क्या होता है, आपके जो छोटे छोटे और छोटे छोटे आपके सूक्ष्म जीव होते हैं जिसको आप लोग कहते हो, वो आपके क्या हो गए, आपकी बैक्टीरिया। जैसे आपको हिंदी में भी हमें बताना पड़ रहा है, आपने कहा था क्लास में, बैक्टीरिया, जीवाणु, वायरस, विषाणु, फंजाई, कवक और प्रोटोजोआ और कुछ अदर बॉम्ब्स मीन्स कीड़े मकोड़े के थ्रू होता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट कॉज दीज डिजीज आर कॉल्ड पैथोजन। जो डिजीज़ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो डिजीज़ कॉज करने का काम करते हैं, जो डिजीज़ को करने का काम करते हैं, वो आपके क्या होते हैं, पैथोजन या जर्म्स कहलाते हैं। ठीक है, पैथोजन या जर्म्स। सम कॉमन कम्युनिकेबल डिजीज आर इन्फ्लुएंजा, मीजल्स, मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया एंड एड्स। जो आपकी क्या होती है, कुछ कॉमन डिजीज़ होती है कम्युनिकेबल डिजीज़, जैसे आपकी क्या हो जाती है, इन्फ्लुएंजा, मीजल्स हो जाती है, चेचक वगैरह भी, जो आप लोग जिसको कहते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में लोग कहते हैं माता जी। माता जी क्यों कहते हैं, क्योंकि लोग साफ़ सफाई रखते हैं, इस वजह से मलेरिया हो गया, डेंगू हो गया, चिकनगुनिया हो गया और आपका एड्स हो गया। आपका एड्स का एग्ज़ाम में फुल फॉर्म पूछता है, आपका एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशेंसी सिंड्रोम। ठीक है, एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है आपका, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशेंसी सिंड्रोम। आपके कुछ हम यहाँ पर नीचे कुछ लिस्ट बता रहे हैं आपको, पॉजिटिव एजेंट हैं, कुछ कम्युनिकेबल डिजीज हैं और उसका कैसे ट्रांसमिशन हो रहा है, क्या सिम्टम्स है और क्या उसको बचाने का कारण है, प्रिवेंशन के क्या मतलब कारण है। ठीक है, पहला आपका क्या हो गया, इन्फ्लुएंजा। पॉजिटिव एजेंट क्या है आपका, मिक्सो वायरस, या आपका क्या होता है, एक वायरस होता है, ग्रुप ऑफ वायरस मिक्सो वायरस होता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन, कैसे ये फैलता है, किसी की जो इन्फेक्शन होता है, कोई अगर आपके सामने छींक दिया, खा दिया, अगर उसके आपके ड्रॉपलेट्स जो हैं, मान लीजिए आप किसी ने इन्फेक्टेड पर्सन ने छींक दिया, वो ऐसा छींक रहा है, या तो उसने कहीं भी खा के कुछ थूक दिया है या कफिंग कर दिया है, तो उसके थ्रू आपको क्या हो जाएगा, अगर आप सामने रहोगे, आप हेल्दी पर्सन हो लेकिन वो इन्फेक्टेड पर्सन है, तो उसके थ्रू आपको क्या हो जाएगा, आपको भी क्या हो जाएगा, इन्फ्लुएंजा हो जाएगा। इसमें सिम्टम्स क्या होते हैं आपके, अचानक से आपको फीवर हो जाएगा, हेडक, सर दर्द होगा, आपके गले में खराश हो जाएगी, मस्कुलर पेन होगा, कफिंग होगी एंड स्नीजिंग होगी एक्सेट्रा। ठीक है, इसमें आपका प्रिवेंशन क्या होता है, कीप अवे फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन। इसमें क्या होगा, आप क्या करो, जो भी इन्फेक्टेड पर्सन है उससे क्या करो, दूरी बना के रखो और अपने माउथ को और अपने नाक को क्या करो, जब वो खांसे या छींके तो उससे बचा के रखना है। ठीक है, मीजल्स आपका क्या होता है, पैरामिक्सो वायरस, ये भी आपका वायरस के ही थ्रू होता है, जिसे आप कहते हो चेचक, आप कहते हो मीजल्स को नॉर्मल लैंग्वेज में। ठीक है, इसमें क्या होता है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन थ्रू कफिंग, स्नीजिंग एंड स्पिटिंग। इसका भी सेम वही आपका क्या है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन है, कैसे फैलता है। इसमें क्या होता है आपका, थोड़ा सा आपकी आँख क्या हो जाती है, एकदम लाल हो जाती है, पानी आने लगता है, फीवर हो जाता है, वाइट वाइट स्पॉट हो जाते हैं, रैशेस पड़ जाती है। ठीक है, और क्या होते हैं, कभी कभी ये जब आपके ड्यूरेशन बढ़ता जाता है तो उसमें क्या होते हैं, थोड़े थोड़े क्या होते हैं, दाने जैसे अपीयर, रैशेस, थोड़े थोड़े छोटे छोटे दाने जैसे अपीयर होने लगते हैं।
इसमें क्या होती है, MMR वैक्सीन गिवन टू अ चाइल्ड एट द एज ऑफ 9 months एंड 15 months. इसमें क्या किया जाता है, इसमें वैक्सीन जब आप छोटे होते हो तो आपको डिफरेंट टाइप की वैक्सीन दिया जाता है. तो इसमें आपकी एक वैक्सीन होती है MMR वैक्सीन, उसमें आपको क्या किया जाता है, 9 महीने का बच्चा रहता है और 15 महीने का बच्चा रहता है तो उस वैक्सीन को दे दिया जाता है, जिससे आगे लाइफ में अगर कभी मीजल्स इन्फेक्शन हो तो वो उसको ना हार्म कर सके, फैला सके. ठीक है, नेक्स्ट आपका आइसोलेशन ऑफ पेशेंट फॉर 10 to 12 डेज. इसमें क्या होता है आपका, जब आप पेशेंट को क्या करते हो, आइसोलेट करके रखते हो, अलग रखते हो, 10 से 12 दिन आप क्या करोगे उस पेशेंट को क्या करोगे, अलग करके रखोगे. ठीक है, ताकि उसका इन्फेक्शन किसी और के थ्रू ना पड़े. नेक्स्ट आपका है मलेरिया. मलेरिया किसके थ्रू होता है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स आपकी एक प्रोटोजोअन होती है उसके थ्रू होता है. ज़्यादातर लोग क्वेश्चन में यही पूछते हैं कि मलेरिया किसके थ्रू होता है, लोग क्या करते हैं मच्छर के थ्रू होता है, जबकि मच्छर क्या होता है, उसका वेक्टर होता है, उसका फैलाने का कारण होता है, लेकिन वो होता किसके कारण है आपका, प्लाज्मोडियम के. प्लाज्मोडियम एक प्रोटोजोअन होता है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स आपको एग्जाम में पूछता है. ठीक है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स एक आपका क्या है, प्रोटोजोअन है, इसके थ्रू आपको क्या होता है, मलेरिया होता है. अगर जो पर्सन मलेरिया पॉजिटिव रहेगा, जो मतलब जो इन्फेक्टेड रहेगा, अगर उसको कोई मच्छर काट लेता है, वो मच्छर जो काटता है उस मच्छर का नाम होता है आपका एनाफिलीस. आपके एग्ज़ाम में बहुत पूछता है, आपके कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम में, यहाँ तक आपके SSC बैंक सभी में क्वेश्चन पूछता है और कि किस मच्छर के काटने से आपके मलेरिया होता है, तो यहाँ आपकी होती है एनाफिलीस मॉस्किटो. ठीक है, इसका जो पॉजिटिव एजेंट होता है वो क्या होता है आपका, एनाफिलीस मॉस्किटो. ठीक है, ये आपका क्या होता है, ये पैरासाइट जो आपकी प्लाज्मोडियम में क्या होता है, जो पैरासाइट होती है, किसी पैरासाइट मतलब क्या होता है, किसी बॉडी के अंदर ये क्या करती है, रहती है, मल्टीपल्स इन रेड ब्लड सेल्स एंड डिस्ट्रॉय देम. ये क्या करती है आपकी RBC सेल्स में क्या करती जाती है, मल्टीप्लाई करती जाती है और उसको क्या करती है, धीरे धीरे डिस्ट्रॉय करने लगती है आपकी RBC को. इसी तरह क्या होने लगता है, इसमें भी क्या होता है, आपकी फ़ीवर आते हैं, 3-4 दिन तक हाई फीवर होता है, फिर वॉमिटिंग होती है, हेडक होता है, फीवर होता है. ठीक है, अगर ये कोई इन्फेक्टेड पर्सन जो उसको मलेरिया हुआ है, उसको अगर एनाफिलीस मच्छर काटा होगा और वो वही मच्छर जाके आपको दूसरे हेल्दी पर्सन को काट लेगा, तो उसको भी क्या हो जाएगा, मलेरिया हो जाएगा. ठीक है, पहली बात तो फिर हम लोग को जब इस टाइप की डिजीज़ से बचना है तो हमें, क्योंकि फैलाने का काम यहाँ पे कौन कर रहा है आपका, एनाफिलीस मॉस्किटो है. ठीक है, मच्छर है जिसका नाम आपका एनाफिलीस है. पहली बात हम लोग क्या करें यहाँ पे, प्रिवेंट मॉस्किटो, हम मच्छर से बचें, क्योंकि वो क्या करेगी, ब्रीडिंग अपनी बढ़ाएगी और स्प्रेडिंग करेगी, अपनी संख्या बढ़ाएगी. ब्रीडिंग मतलब आपकी क्या होगी, अपनी अपनी संख्या को बढ़ाती जाएगी, स्प्रेडिंग करती जाएगी, फैलाती जाएगी मच्छर को, तो वही इन्फेक्शन वो एक दूसरे से कॉज करते रहेंगे. और हम लोग क्या करें, रात को सोते समय मॉस्किटो नेट का यूज़ करें ताकि मच्छर वहाँ पे ना आए. यूजिंग मॉस्किटो रेपेलेंट क्रीम ऑइंटमेंट, आपकी जो डिफरेंट टाइप की क्रीम्स होती हैं, तो आप जहाँ ओपन एरिया हो वहाँ पर लगा के रखो कि रात को आपको मच्छर वहाँ पर ना काटे. टेकिंग एंटी मलेरियल ड्रग सच एज क्लोरोक्विनिन, आप क्या करो, जो आपकी जो एंटी मलेरियल ड्रग होती है जिसका नाम आपका क्लोरोक्विनिन है, वो आप ले लो. ठीक है, एक एग्ज़ाम में आपके क्वेश्चन आता है कि जो आपका ये होती है, ये इसका प्रिवेंशन जो होता है मलेरिया का, वो नेचुरल प्रिवेंशन कैसे होता है. एक फ़िश होती है गैम्बूशिया, जिसको क्या कर दिया जाता है पानी में, एक्चुअली जो गैम्बूशिया फिश होती है वो क्या करती है, मच्छर को खाने का काम करती है. तो जहाँ पानी कलेक्ट होगा तो वहाँ ऑलरेडी मच्छर रहेंगी. ठीक है, तो ये गैम्बूशिया फिश को क्या कर दिया जाता है, उस वाटर टैंक में डाल दिया जाता है, तो वो क्या करेगी, धीरे 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 वो मच्छर को खाने लगेगी. तो उसकी क्या हो जाती है, नेचुरल तरीके से वो क्या हो जाती है, हम लोग को कोई इंसेक्टिसाइड भी नहीं डालना पड़ता है, क्योंकि इंसेक्टिसाइड भी क्या होता है, आपके लिए हार्मफुल करेगा, तो आपको वहाँ पर इंसेक्टिसाइड नहीं डालना पड़ेगा. वो डायरेक्ट क्या करेगी, गैम्बूशिया फिश क्या करेगी, उस मच्छर को खा जाएगी. ठीक है, तो वो हमारे लिए बेनिफिट होगा कि हमें कोई भी चीज़ अदर नहीं यूज़ करना पड़ा. ये हमारा क्या हो गया, नेचुरल वे हो गया प्रिवेंशन का मलेरिया से. ठीक है, नेक्स्ट आपका है डेंगू. डेंगू को जो कॉज करने का है वो आपका कौन सा होता है, वो वायरस होता है, बारबो वायरस. इसमें भी क्या होता है,
ये भी मच्छर के थ्रू ही फैलता है, लेकिन यहाँ पर कौन सा मच्छर करता है, एग्जाम में आपका पूछता है, कंफ्यूज करता है आपको, इसलिए यहाँ पर एडिस मॉस्किटो होता है, जबकि आपकी मलेरिया में कौन सा होता है, एनाफिलीज मॉस्किटो क्या करती है, बाइट करती है, जिसके थ्रू आपको फैलता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है डेंगू में, आपका एडिस मॉस्किटो क्या होता है, आपको इन्फेक्टेड का काम काम करता है, ठीक है। इसमें भी क्या होता है, आपके हाई फीवर हो जाता है, जॉइंट पेन होता है, हाई फीवर, सीवियर मसल पेन होता है, मसल्स में पेन होता है, वोमिटिंग होती है, रेड कलर की रैशेस पड़ जाते हैं स्किन में, प्लेटलेट काउंट्स यहाँ पे क्या होने लगते हैं, आपकी क्या होने लगते हैं, लो होने लगते हैं, और आपके नाक से और आपके दांत से, मसूड़े से क्या होने लगती है, ब्लीडिंग होने लगती है। इसमें भी हम सेम काम करेंगे, क्योंकि ये जो आपका है तो काम काम फैलाने का काम, तो आपका जो मेन इन्फेक्टेड वो है, वो तो आपका वायरस हो गया, लेकिन जो फैलाने का काम करता है, मान लीजिए एक पर्सन को हुआ है, ठीक है, लेकिन अदर हेल्दी पर्सन को किसके थ्रू हो रहा है, वो मच्छर के काटने से हो रहा है। तो यहाँ भी हम लोग सेम चीज़ यूज़ कर रहे हैं, कि यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे कि प्रिवेंशन करेंगे, प्रिवेंट करेंगे, मॉस्किटो से बचेंगे, मच्छर से बचेंगे, उनकी जो ब्लीडिंग है उसको रोकेंगे, कुछ इंसेक्टिसाइड का यूज़ करेंगे, और अपने जो वाटर कूलर उसमें ऑयल वगैरह डालते रहेंगे, कहीं भी आप पानी से भरे हुए कुकर टायर हो उसमें पानी कलेक्शन नहीं होने देंगे, आप फुल स्लीव्स का शर्ट पहनो, शॉक्स पहनो, ताकि वो कहीं भी आपको मॉस्किटो क्या करे, काट ना सके, ठीक है। यूजिंग मॉस्किटो रेपेलेंट क्रीम एंड ऑइंटमेंट, ठीक है, आपकी जो मच्छर से बचाने वाली क्रीम होती है उसको यूज़ करेंगे, और जब भी आपकी सिम्टम्स दिखती हैं उस अकॉर्डिंग आप क्या करोगे, मेडिसिन लोगे। नेक्स्ट आपका हो गया चिकनगुनिया, ये सब आपकी कम्युनिकेबल डिजीज़ है, मतलब एक दूसरे कांटेक्ट में आने पे हो जाएंगे, ठीक है। चिकनगुनिया होता है, चिकनगुनिया को भी कहा होता है, एक वायरस करता है चिकवा, और उसको वायरस को बोला जाता है अल्फा वायरस भी कहा जाता है। ये भी क्या होता है, आपके मच्छर काटने से ही होता है, ये मच्छर भी आपका क्या होता है, एडिस होता है, डेंगू भी आपका एडिस मच्छर काटने से होता था, और यहाँ पर आपका क्या हो रहा है, जो चिकनगुनिया भी है वो भी आपका एडिस मॉस्किटो के काटने से होता है। इसमें क्या होता है, इसमें भी आपके हाई फीवर हो जाता है, मसल पेन होता है, हेडेक होता है, जैसे जैसे क्या होता है आपका थोड़ा हाथ पैर में एकदम दर्द होना, रैशेस पड़ना, ठीक है। इसके भी आपका क्या है, जो प्रिवेंशन है सेम है, क्योंकि ये भी आपका क्या हो रहा है, मच्छर काटने से ही हो रहा है, तो प्रिवेंशन आप यहाँ पे भी यही करोगे कि मच्छर से बचने वाली क्रीम का यूज़ करोगे, पानी कहीं कलेक्शन नहीं होने दोगे, मॉस्किटो नेट का यूज़ करोगे, यही सब चीज़ है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एड्स, एड्स का आपका फुल फॉर्म एग्जाम में पूछता है, एड्स का फुल फॉर्म आपका होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशेंसी सिंड्रोम, ठीक है। ये आपका क्या होता है, इसमें आपका वायरस होता है HIV वायरस, इसमें एग्ज़ाम में आपके ये भी पूछता है, जो आपका एड्स का कॉजिंग एजेंट वो क्या आपका है, वायरस है, ठीक है। उस वायरस का फुल फॉर्म, HIV का फुल फॉर्म पूछ लेता है, तो ह्यूमन इम्यूनो डिफिशेंसी वायरस, आपका HIV का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन आई का इम्यूनो डिफिशेंसी वायरस, ठीक है। और आपके एग्ज़ाम में एड्स का भी फुल फॉर्म पूछता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशेंसी सिंड्रोम, क्लियर। ये क्या होता है, आपके इन्फेक्टेड ब्लड हो जाता है, कहीं कहीं कभी कभी क्या होता है, कोई कोई इन्फेक्टेड पर्सन है उसके ब्लड को आप लोग चढ़ा दिए, चढ़ जाता है, मतलब चढ़वा देते हो ब्लड बैंक में विदाउट चेक के, ठीक है। या तो कोई इन्फेक्शन हो गया, कट हो गया, वोंड हो गया, कोई घाव हो गया, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट हो गया, ऑर्गन ट्रांसप्लांट के थ्रू भी क्या होता है, इसमें प्रॉब्लम होती है एड्स होने का, ब्लड ट्रांसफ्यूज़न मदर टू चाइल्ड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ, जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है मदर से चाइल्ड में भी क्या होता है, जब चाइल्ड बर्थ होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के टाइम में ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है, हो सकती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, जब भी आपका ये होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशेंसी सिंड्रोम, एड्स जो होता है इसमें क्या होता है, ब्रेकडाउन ऑफ इम्यून सिस्टम, ये क्या करता है, आपका इम्यून सिस्टम को आपके क्या कर देता है, ब्रेक कर देता है, तोड़ देता है, मीन्स क्या कर देता है, आपकी जो खुद की इम्यून सिस्टम होती है वो क्या करती है, प्रॉपर वर्क नहीं करती है, आपके वेट लॉस होने लगेगी, थकान लगने लगेगी, क्रफ होने लगेगी, जो आपकी सांस है वो धीमे धीमे चलेगी, हेडक होगा, ठीक है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो जाएगी, जैसे आपको डायरिया वगैरह हो जाएगा, लंग की डिजीज़ हो जाएगी, निमोनिया हो जाएगा, डैमेज टू ब्रेन लीडिंग टू मेमोरी लॉस, यहाँ पर आपकी क्या हो जाती है, मेमोरी लॉस भी हो जाती है धीरे धीरे, ठीक है। इसमें क्या होता है,
इसमें हम लोग कैसे रोकथाम करेंगे, इसकी बचाव कैसे करेंगे, प्रिवेंशन कैसे करेंगे, इसमें क्या करेंगे हम लोग? स्क्रीनिंग ऑफ ब्लड बिफोर ट्रांसफ्यूजन, पहले ही जब भी आप ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवाते हो, मतलब ब्लड डोनेट करवाते हो या किसी को देते हो, लेता है, तो उसमें क्या कर देते हो, पहले उसकी क्या कर देते हो, स्क्रीनिंग करवा लो, चेकिंग करा लो कहीं वो क्या है, उसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, और किसी की यूज़ हुई नीडल्स को नहीं यूज़ करना है। जैसे आपने किसी कोई इंजेक्शन यूज़ कर दिया है, सिरिंज यूज़ कर चुका है, जितने भी सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट है वो प्रॉपर आप नए लो, उसको यूजेबल तो नहीं है, ठीक है। अगर HIV पॉजिटिव मदर है तो उसको अवॉइड करना चाहिए प्रेगनेंसी में, ठीक है। सेफ सेक्स होना चाहिए, एजुकेटिंग पीपल, और उसको क्या करना चाहिए, लोगों को उसको बढ़ावा देना चाहिए, उसके बारे में बताना चाहिए कि ये कैसे फैलता है, क्या नहीं फैलता है। क्लियर? वेक्टर, वेक्टर क्या है? वेक्टर इज एन ऑर्गेनिज्म दैट कैरीज पैथोजन फ्रॉम अ सोर्स ऑफ इन्फेक्शन टू अ हेल्दी इंडिविजुअल विदाउट गेटिंग अफेक्टेड इट्सेल्फ। वेक्टर आपका हिंदी में क्या हो जाता है, मुझे हिंदी में भी बताना पड़ता है, आप लोग बोलते हो कारक, ठीक है। वेक्टर क्या है, जैसे आपका क्या हो गया, जो आपका मलेरिया है, ठीक है, मलेरिया होता किससे है, आपके प्रोटोजोर है, वो प्रोटोजोआ का नाम क्या है, प्लाज्मोडियम, वाइवेक्स, ठीक है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, ये तो आपका क्या है, एक प्रोटोजोआ है, लेकिन इसके थ्रू तो आपको मलेरिया हो रहा है, ठीक है, लेकिन इसको जो ये इस इंफेक्ट इस चीज़ से इंफेक्टेड पर्सन है वो फैलाने का काम कौन कर रहा है, आपका मच्छर था, वो मच्छर कौन था, एनाफिलीज मच्छर था, मॉस्किटो था, क्लियर। तो जो वेक्टर होता है, कारक मतलब जो फैलाने का काम करता है, जैसे आपकी क्या हो गई, हाउस फ्लाई हो गई, मॉस्किटो हो गया, टिक्स हो गए, माइट्स हो गए, कुछ मैमल्स भी हैं, जैसे आपका चूहा हो गया, जैसे आपने देखा होगा प्लेग वगैरह डिजीज़ होती है, वो रैट के थ्रू होती है, डॉग्स भी हो गया, ये सब क्या होते हैं, जो स्प्रेडिंग करने का काम करते हैं, डिजीज़ को क्या करते हैं, एक पर्सन से दूसरे पर्सन को स्प्रेड करने का वर्क करते हैं, ठीक है। जैसे आपको डायग्राम में यहाँ दिख रहा है, हाउस फ्लाई इज़ अ वेक्टर दैट स्प्रेड मेनी इन्फेक्शन, जो आपकी मक्खी होती है वो क्या होती है, कहीं इन गंदे जगह पे बैठी है, फिर वो आपके किसी फूड के थ्रू फूड पे आ जाती है, वही फूड आप लोग ले लेते हो, तो वो क्या हो जाता है कि इन्फेक्शन करने का वर्क कर देती है, ठीक है। मैंने बोला कम्युनिकेबल डिजीज़ आपकी किसके थ्रू होता है, इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन भी होता है, एयर के थ्रू भी होता है, वाटर के थ्रू भी होता है, फूड के थ्रू भी होता है, इसीलिए आपका ये क्या है, COVID-19 जो आपका चल रहा है, इसमें क्या कहा जा रहा है कि आप घर पे रहो, सेफ रहो, बाहर की चीज़ें मत खाओ, बाहर की जो पर्सन उनसे आप सोशल डिस्टेंसिंग रखो, ठीक है। सम कॉमन वेक्टर्स एंड पैथोजन ऑफ डिजीज कैरिड बाई देम, आपके कुछ क्या है यहाँ पर पैथोजन दिखा रहा है, जैसे आपका क्या था वेक्टर, यहाँ पे एनाफिलीज मॉस्किटो था, जो आपका क्या था, डिजीज कॉज कर रहा था, मलेरिया कर रहा था, पैथोजन क्या था आपका, प्लाज्मोडियम था, जो आपकी क्या थी, प्रोटोजोअन था, यहाँ पर क्या हो जाता है, जो आपके वेक्टर है फैलाने का काम कौन कर रहा था, यहाँ पे आपकी एनाफिलीज मॉस्किटो कर रही थी, ठीक है, ये एनाफिलीज मॉस्किटो कर रही थी, ये वेक्टर हो गई, मतलब जो डिजीज को स्प्रेडिंग का काम कर रही है, वेक्टर क्या होता है, जो आपके डिजीज को फैलाने का काम करता है, वन पर्सन टू अनदर पर्सन, या तो इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन, ठीक है। यहाँ पर पीरियोडिक फीवर हो जाएगा, फिर ठंडा हो जाएगा, फिर रेड ब्लड सेल्स काउंट ड्रॉप्स करना पड़ता है। नेक्स्ट आपका हो गया डेंगू, ये किसके थ्रू हो रहा है, एडिस मॉस्किटो के थ्रू, यहाँ पे वायरस जो वर्किंग होता है डिनेव, इसमें भी आपको हमने बता दिया कि हाई फीवर हो जाता है, हेमरेज हो जाता है, यहाँ पे प्लेटलेट काउंट्स क्या हो जाती है, डाउन हो जाती है। नेक्स्ट आपका क्या है, येलो फीवर, ठीक है, ये भी आपके एडिस मॉस्किटो के थ्रू हो रहा है, ये सब क्या है, वेक्टर है। नेक्स्ट आपका हो गया, हाँ, ये अमीबॉय डिसेंट्री होता है, ये भी क्या हो रहा है, एंटेमीबा के थ्रू होता है, जिसमें आपको क्या होती है, अमीबॉय डिसेंट्री मतलब पानी के थ्रू होता है ज़्यादातर, जिसको आप लोग डायरिया वगैरह कहते हो, ये हाउस फ्लाई जैसे आपके घर के बाहर गंदी चीज़ खाए हो, जिसमें आपकी मक्खी वगैरह बैठी है,
उसको आप खा लेते हो तो आपको क्या प्रॉब्लम हो जाती है, एमेबॉइड डिसेंट्री हो जाती है, आपको लूज मोशन होने लगता है, सीवियर डायरिया हो जाती है, एब्डोमिनल पेन होना था, पेट में अंदर दर्द होने लगता है, और क्या हो जाता है आपके ब्लड एंड म्यूकस इन फेसेस, आपके फेसेस में क्या होने लगता है, आपके ब्लड और म्यूकस आने लगता है, या आपका ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके हर एग्ज़ाम में पूछते हैं, चाहे कोई कॉम्पिटेटिव हो चाहे नॉर्मल एग्ज़ाम हो, आपके सब एग्ज़ाम में पूछते हैं। सी सी फ्लाई, इसको टी लिखा रहता है, इसको टी आपका क्या होता है, साइलेंट होता है, आपका सी सी फ्लाई होता है, ये आपका क्या करता है, आपका स्लीपिंग सिकनेस होता है, इसमें क्या हो जाता है, लोग क्या हो जाते हैं सोते ही रहते हैं, इसमें क्या होता है आपका जो आपका पैथोजन है वो क्या, प्रोटोजोआ एंड ट्रेपेनोसोमा, इसमें भी क्या होता है, फीवर हो जाता है, रैश हो जाता है, थकान लगती है, लिम्फ एंड नर्वस सिस्टम क्या होने लगता है, इफेक्ट्स होते हैं, मेंटल डिटारेशन होता है, इंक्रीज स्लीप, या आप लोग सोते रहते हैं, इसीलिए इसका नाम क्या हो गया, स्लीपिंग सिकनेस। एग्जाम में पूछा हुआ है स्लीपिंग सिकनेस किस फैक्टर के थ्रू होता है, तो आपका होता है सी सी फ्लाई के थ्रू। नेक्स्ट आपका है फाइलेरियसिस, जिसको आप लोग क्या कहते हो, हाथी पाँव, जिसको बोलते हो फाइलेरियसिस को आप लोग हाथी पाँव भी कहते हो। इसमें क्या हो जाता है, आप देखो यहाँ पर ऊपर दिया हुआ है, ये देख रहे हो, और यहाँ पे डायग्राम में आपको दिख रहा है, इसका पैर जो है एकदम हाथी के जैसे क्या हो गया, सूज गया है, ठीक है। तो ये किसके थ्रू होता है, आपका वाउचेरिया बैंक्रोप्टाई, ठीक है। और ये जो वेक्टर होता है यहाँ पर, वो कौन होता है, आपका क्यूलेक्स मॉस्किटो होता है, क्यूलेक्स मॉस्किटो। इसमें क्या हो जाती है, आपके पैर में क्या हो जाती है, मोट एकदम स्वेलिंग कर जाता है, थिकनिंग ऑफ स्किन, जो स्किन भी होती है एकदम मोटी मोटी रहती है, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, फाइलेरियसिस। इसका जो आपका क्या होता है, प्रोटोजोअन के थ्रू होता है, वो क्या नाम है इसका, वाउचेरिया बैंक्रोप्टाई। नेक्स्ट आपका है प्लेग है, प्लेग तो आप नॉर्मली सो देखते होगे, टीवी में भी दिखाता है, ठीक है। प्लेग क्या होता है, आपका रैट के थ्रू फैलता है, इसका जो ये होता है यर्सीनिया पेस्टिस, आपका बैक्टीरिया होता है उसके थ्रू होता है, इसको फैलाने का काम करता है, जो प्लेग बीमारी होती है इसको फैलाने का काम कौन करता है, चूहा करता है। इसमें भी क्या हो जाती है, जो आपकी नेक होती है वो क्या हो जाती है, आर्मपिट्स हो जाती है, वो क्या हो जाती है, एकदम फूल सी जाती है, जो लिम्फ नोड्स होता है वो क्या हो जाता है, स्वेल कर जाता है, फीवर चढ़ता है अचानक से, और एकदम कूल डाउन हो जाता है, ठंडे हो जाते हैं, हेडक रहता है, सर में दर्द हो जाता है। नेक्स्ट आपका हो जाता है रैबीज, आपकी जो कुत्ता काटने से होता है, आप लोग देखे होंगे, ठीक है। रैबीज किसके थ्रू होता है, रैबडो वायरस के थ्रू होता है। इसमें क्या होता है, सलाइवा ऑफ इन्फेक्टेड एनिमल्स, इसमें क्या होता है, जो मेन पॉजिटिव एजेंट होता है वो क्या होता है, आपका कुत्ता होता है, ठीक है। डॉग्स जिसके थ्रू क्या होता है, जिसके थ्रू वो जो वायरस होता है वो लार्वा के थ्रू, उसके थ्रू अगर वो काटेगा तो उसका लार्वा उस इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में चला जाएगा, तो यहाँ पर क्या कर जाएगा, ये इसके नर्वस सिस्टम को अटैक कर देगा, या मेंटल डिप्रेशन को कन्विलेशन स्पैस और पैरालिसिस तक भी कॉज कर देता है, ठीक है। तो आज हमारा यही टॉपिक आपका कंप्लीट होता है कम्युनिकेबल डिजीज़ का, कल हम आपको यहाँ पर प्रिवेंशन और डिजीज़ बताएंगे, कैसे इस डिजीज़ से आपको बचना है, ठीक है। थैंक यू।